विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है, पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। विश्व शांति धारा में आप सबका स्वागत है। विश्व शांति के लिए मन शांति की आवश्यकता को डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा ने दोहराया। यहां हमको बात करनी है धर्म, विज्ञान और अध्यात्म का जो समन्वय है, उसके दो ही आधार हैं। देह और आत्मा को अलग अलग जानेंगे तभी अध्यात्म समझ में आता है। देह और आत्मा को एक साथ हम जीवन जिएंगे तो अध्यात्म हमसे कोसों दूर रहता है। इस मानव शरीर में 36 तत्वों की स्थिति बनती है, तो धर्म धार्यते लोकम इति धर्मः। धर्म क्या है कि प्रातः सूर्योदय से पहले उठना। 36 तत्व कौन कौन से हैं? यह पंचभूतात्मक सृष्टि है। ऐसा हम तत्व चिंतन करें कि ब्रह्ममयी दृष्टि, ब्रह्ममय बोध, और सच पूछा जाए तो अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो चल रहा है, उस परम तत्व की अनुभूति और उसके अस्तित्व होने का जो एहसास है, वही अध्यात्म है। वह जब से हम उससे दूर होंगे तो अध्यात्म पर हम बहुत अच्छे भाषण सुन सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन यह क्रियावान सह पंडिता। महाभारत कहता है कि ज्ञान आचरण में उतारने के लिए है। चाक्षुषोपनिषद में आता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और आप जिस विद्या प्राप्ति के लिए इस परिसर में अध्ययनरत हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, सा विद्या या विमुक्तये। हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? अपने आप से। मैं संक्षेप में कहूं, हम 5 भूतों के पिंडीभूत शरीर हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। हमारी देह में 5 प्राण हैं, प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान। हमारी देह में 5 कोश हैं, आनंद में कोश से लेकर के और विज्ञान में कोश तक की यात्रा कराता है। 5 तन्मात्राएं हैं, रूप, शब्द, स्पर्श आदि। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। और 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं इस हृदय प्रदेश में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जब शांत होगा तो ही विश्व की शांति की बात करने के हम अधिकारी हैं। मन अगर अशांत है, चित्त यदि शुद्ध नहीं है, तो शांति पाठ हम खूब करें। जौ भौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांति आपाश, खूब कर सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को जानें, स्वयं से मिलें और स्वयं के साथ बैठें, तभी हम चित्त शुद्धि की यात्रा और मन के आनंद में कोश की यात्रा के सहयात्री बन सकते हैं। और एक 36वां तत्व विज्ञान कहता है, विज्ञान तो बहुत बाद में बात करता है, विज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है, भारत का अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। और एक आत्मा जिसको हम रूह भी कहते हैं, जिसको जीव संज्ञा भी कहते हैं, और वही आत्मा
परमात्मा के रूप में हम सभी के साथ काम करती है। कैवल्य सम्राट की भूमि है। कैवल्य सम्राट, हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो देहावसान, स्वर्गवास, और जन्म से पहले हमारा अस्तित्व कहां था ये कौन विज्ञान हमको बताएगा? देहावसान के बाद हमारा अस्तित्व किस लोक में होगा कौन विज्ञान हमको बताएगा? संत ज्ञानेश्वर की माटी, लोकमान्य तिलक की माटी, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। गांधी को जिसने राष्ट्रपिता की उपाधि से समलंकृत किया, सावरकर जी को जिन्होंने वीर शब्द का उपयोग किया, टुकड़ो जी महाराज को जिन्होंने राष्ट्र संत का परितोष दिया, राजबंधु लोकबंधु राज नारायण महामना शब्द जिन मालवीय जी के लगा, महात्मा गांधी तो उनको देवता पुरुष कहते थे। हम सभी में मनुष्यत्व के साथ देवत्व विराजमान है। हम सभी में इंसानियत, मनुष्यता, मानवता, शैतानियत, ये सारे शब्द सुनने में पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं। यह शरीर आज है एक क्षण का पता नहीं, लेकिन काशी का यह शरीर आज यह उद्घोषित करने के लिए बाध्य है, और बहुत अंतःकरण की प्रेरणा से, क्योंकि जीव कुछ कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, और सब कुछ होने जैसा है, करने जैसा तो कुछ नहीं है। करने के लिए हम अहंकार अति दुखद डमरुआ, जब सब कुछ होने जैसा है तो एक भाव जरूर व्यक्त करना चाहूंगा, भले ही आज से 5 दशक बाद, 2 दशक बाद, 1 दशक बाद या 1 शताब्दी बाद, ये नश्वर संसार है, मृत धर्मा शरीर है। यह बात आपके यहां संरक्षित रहेगी। विश्वधर्मी प्राध्यापक विश्वनाथ कराड़ जी एक दिन इसी पूना की, महाराष्ट्र की और भारत की वह आत्मा के रूप में इस विश्व में जाने जाएंगे। उनको भारत रत्न शब्द कहना भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। भगवान कृष्ण गीता में जिस विभूति योग में जिस अंश की बात करते हैं कि तुम किसी को भी देखो एक अंश से मेरे को पाओगे, तो हमें लगता है गीता का जो ज्ञान विभूति योग में आता है वह विभूति योग कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ये इतना वैभव का संकल्पना कौन करने में सामर्थ्य रखता है? हमको एक कक्ष की निर्माण की स्थिति में भी स्थिति नहीं बन पाती है। संत ज्ञानेश्वर माउली अपने पसाईदान में कहते हैं आता विश्वात्म के देहे, और अंत में उतर आते हैं सुखिया झाला। प्रश्न उठता है विश्वात्म के देह से सुखिया झाला तक की यात्रा हमको ही करनी होगी।